अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। ये बात बदलेगा सर इस बार 5 साल में? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहां विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहां सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम के ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला, बहुत देर हो गई। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है, पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट्स में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अंडर करंट आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पर, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहां भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की, मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता है भाजपा के यहां पे आकर अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और मैं समझता हूं कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं।